see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. दोस्तों भाई, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो गए। विकी भाई एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन है और आज ज़रा तो थोड़ा सा काम के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा है। तो वीडियो यानी बनने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल विकी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, दोस्तों शेयर भी कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस लाजमी करें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अच्छा, आपको एक बात मैं क्लियर बताता चलूँ कि ये जो अभी सिविल का काम है कराची का, ये कुछ दिन के लिए है। तो उसके बाद इंशाल्लाह जब गांव में जाऊंगा तो गांव की आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, तो प्लीज़ आप इग्नोर मत करें। और मैं आपको अभी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। एक तो जो हमने लीन की थी जहाँ पे निशान डर, वहाँ पे सरिया बांधना है, और दूसरे नंबर पर उसके लिए हमने सैडे भी तैयार करनी है, एक्सवेटर भी आई हुई है, फिलिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, और जहाँ पर जो भराई हुई हुई है वो शटरिंग भी खोलनी है। तो आप साथ जुड़े रहें। तो अभी मैं आपको काम की तरफ लेके जाता हूँ कि हमने अभी कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन सा काम कर लिए मैं। तो पहले मैंने सबसे पहले नाश्ता करना है, नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद फिर 8:30 बजे हमारा काम शुरू हो जाता है, लेबर और काम वाले आना शुरू हो जाते हैं, 9 बजे हमारा काम शुरू कर रहे। तो पहले मैं नाश्ता करने जाता हूँ, उसके बाद फिर हम काम शुरू करें। डॉ में कंटीन अंदर ही है तो वहाँ से नाश्ता आराम से मिल जाता है, तो नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपने काम को अपना काम स्टार्ट करेंगे। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. को लुक बहुत जल्दी करनी है क्योंकि एक इमरजेंसी में पड़ा हुआ है ये सब। इसमें अभी बैक फिलिंग करवानी थी, बाकी सारी साइडों से बैक फिलिंग हो गई है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जल्दी में लगे हुए हैं कि ताकि इसकी बैक फिलिंग हो जाए। बाकी सारा एरिया मिट्टी इसमें पड़ गई है, सिर्फ और सिर्फ ये जगह रह गई थी। इस जगह ये जगह इसलिए रह गई थी कि ये क्योंकि कल भरी हुई है, इसी वजह से इसको सुबह सुबह खोल के इसको फौरन ही इसके ऊपर लुक लगा के कलर करके इसको फिर अभी बैक फिलिंग कर देंगे। ये शटरिंग पड़ी है, शटरिंग इसको उठानी है, यहाँ से उठा के लेके जानी है। वो वाला भी साथ वाला वो भी खोल रहे हैं, वहाँ पे भी बंदे लगे हुए हैं और उठा के भी लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आज ये वाला एरिया थोड़ा सा रह रहा है तो इसको भी आज हम ख़त्म कर देंगे। उस तरफ काम हो रहा है, वहाँ पर जो सरिया वगैरह बनाना था, सरिया वहाँ पर लगे हुए सरिया बांधने के लिए, तो इसमें एक्सीटर साथ आई हुई है, तो फिर एक्सीटर का टाइम चल रहा होता है, तो डंपर मिट्टी शिट्टी पड़ना शुरू हो गई है। तो इसमें इसी वजह से इसको भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का है कि इसको भी जल्दी ये पोर्शन फिर सारा एक बिल्डिंग ये कंप्लीट हो जाएगी सारी की सारी, फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये वाली बिल्डिंग रह जाएगी। इसके ऊपर फिर मिट्टी इसके भी डलना शुरू हो गई है, तो इसको भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। बीमों की सेटें तैयार करना शुरू कर दी हैं, जो हम अभी बीम बना रहे हैं जिस पे जो सरिया लगाया हुआ है, सरियों के लिए सेटें तैयार करनी पड़ी। उसके लिए स्पेशल आपको एक हमें थल्ला बनाना पड़ता है और थल्ले के ऊपर फिर बीम बनाना पड़ता है। ये अभी भाई इसकी कील वगैरह से साथ सेटिंग कर रहे हैं क्योंकि 2 फुट का बीम है और हाइट के ऊपर होता है, तो फिर इसका प्रॉपर इसकी एक सेट बनानी पड़ती है पम्बाइक से। तो ये प्लिंथ बीम होता है, टॉप पे आ जाता है, तो जब टॉप का आपको पता है इसका बिल्कुल 0-0 लेवल देना पड़ता है, इसका ख़ास ख्याल करना पड़ता है। इसलिए इसकी 20 से 25 सेटें हमने इसकी कम से कम बना दी हैं, तो हमें कम से कम 200 सेट चाहिए, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इसको क्लियर कर दें। ये कुछ दीवारें इमरजेंसी में अभी खोली थी जिसमें अभी तकरीबन 1 घंटा पहले,
तो इसको फौरन ही इसके ऊपर ही कलर वगैरह करवा के डंपिंग करवा के इसको फिर फौरन ही इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। तो ये साथ साथ खोलता जा रहा है और साथ साथ ही इसके ऊपर मिट्टी डालते जा रहे हैं, ताकि एक भाई यहाँ से खोल भी रहा है ये। तो क्योंकि हमें आपको बताया भी है कि ये इसके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में हमने ये बिल्डिंग तैयार करके देनी है और बिल्डिंग अभी फाउंडेशन पर है, तो इसलिए इसको रात दिन इस पर काम कर रहे हैं, ड्यूटियाँ कर रहे हैं इसके, ताकि इसको फौरन ख़त्म करें और फौरन इससे जान छुड़ाएं। तो इस साइड से अभी इसको कलर करना है, शटरिंग इस साइड से भी खोल रहे हैं, इस साइड से भी पानी खड़े, इसको कलर करके ये ख़त्म करना है ये भी। तो एक्सीवेटर भी लगी हुई है जहाँ पे हमारी जो लीन थी सरिया बांध था दूसरी बिल्डिंग में, उस पर ये कोना रह गया था लिफ्ट के साथ वाला एरिया, क्योंकि इसमें हमारा C2 नहीं लगा हुआ था। तो C2 की आज हमने भराई की है, तो आज इसके साथ इसको कलर करके फौरन इसकी हमने शुरू कर दिए। तो इसकी एक्सेटर मिट्टी डाल रहा है इसके अंदर, सारा का सारा डाओ यूनिवर्सिटी का पार्किंग का एरिया है। तो यहाँ पे सारी पार्किंग होती है। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ, थोड़ा सा छुट्टी का टाइम था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चहल पहल कदमी कर लेते हैं। पीछे से शुरू होती है डाओ यूनिवर्सिटी, डाओ लैब और सारी ये डाओ का टोटल जितना भी एरिया है सारा डाओ का एरिया। इस तरफ पार्किंग होती है, रहश होती है, लोगों की फैमिलियाँ यहाँ पर रह रही हैं। तो इस तरफ मतलब कि घर वगैरह, जिस यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल वगैरह यहाँ पे लोग रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा थोड़ा सा चलो चहल पहल कदमी कर लेते हैं, चहल लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। अभी शाम का टाइम है, तकरीबन शाम की अजानें होने वाली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा एरिया है कराची का, ऐसा समझो कि सबसे जो ज़बरदस्त एरिया है ना डॉग की, जो सरकारी हॉस्पिटल में से बड़ी जो अस्पताल हैं ये डॉग की, मतलब यही है। तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और विकी व्लॉग को सब्सक्राइब करें। अपनों का ख़ास ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख़ास ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।